मेरा प्यारा नबी, कितना प्यारा नबी। सारी आमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुन मुनीब। वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़्फ़ा। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नहू काना सिद्दीक़न नबिय्या। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम ख़लीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ अहबाब, आशिक़ान रसूल, मुहिब्बीन मुस्तफ़ा करीम, अल्लाह करीम की बारगाह क़ुद्स में दुआ है वो ज़ात लम यज़ल। आज का ये हमारा 8वां दरसे अखलाक अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फ़रमाए, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फ़रमाए और हमारे ऊपर हुजूर हमारे बाबाई करम वाले सरकार सैयदी व सनदी व मुर्शदी व रूही व क़ल्बी हुजूर सैयद मोहम्मद अली शाह सबल बुखारी नव्वरल्लाहु बरक़दहू आपके फ़यूज़ व बरक़ात हम पे जारी और सारी फरमाए। मौजूद अहबाब, मैंने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की जो आयात बय्यिनात आप अहबाब की समातों की नज़र की हैं, इनकी रोशनी में जद्दुल अंबिया अबुल अंबिया हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके अखलाक़ आलिया के हवाले से गुफ्तगू होगी। हमारे इस दरसे अखलाक़ का मकसद ये है कि हम अपनी अक़दार की तरफ लौट आएँ, हम हकीकी इस्लाम की तरफ लौट आएँ और वो हस्तियाँ जिनको अल्लाह करीम ने हमारे लिए रोल मॉडल बना के भेजा, हमारे लिए मिसाल बना के भेजा, उन हस्तियों के अखलाक हम अपना लें, उनके नक्शे कदम पे चलें, ताकि उनके अखलाक आलिया की वजह से अल्लाह करीम ने उनके वजूद पर जो बरकतें, रहमतें, खैर और करम नाज़िल फरमाया, जब हम उनके अखलाक आलिया में से कुछ अखलाक अपनाने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला उनके तसद्दुक़ से हम पे भी रहम और करम फरमाएगा, हमें भी बरकतों से नवाजेगा। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी अजीम हस्ती, इतनी अजीम हस्ती, 69 मरतबा उनका कुरान मजीद में नाम आया और एक पूरी सूरह उनके नाम पे है। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो अजीम हस्ती हैं जिनके अखलाक को अल्लाह करीम ने खुद कुरान मजीद में बहुत से मकामात पे बयान किया। यानी खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की जात व बरक़ात से अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, लक़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू। सारी दुनिया के लोगों से इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम अगर ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो रसूल करीम की ज़ात को देखो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर से अल्लाह ताला फरमा रहा है, हबीब अगर कोई परेशानी आ जाती है तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देखना है। इतना बड़ा मेयार है हज़रत जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया का। मक़ाम मरतबा अगरचे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर ही का ज़्यादा है, मगर चूँकि पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुजर चुके हैं, उनकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आई, जो मामलात आए और उन्होंने जिस तरह उनको फेस किया तो आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया आप उनकी तरफ देखें। हज़रत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो खसाइस व कमालात और उनके जो अखलाक हैं उनमें से चंद मैं आपके सामने पेश करता हूँ ताकि हमारा ईमान भी ताज़ा हो और हमें कुछ हौसला भी मिले और हमारे अंदर एक जज्बा भी पैदा हो कि हम उन वाले अखलाक उस हद तक न सही, चलो कुछ ना कुछ वो अपनाने की कोशिश करें। तो पहला उनका अखलाक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुल मुनीब। इस आयत में तीन अखलाक हैं। बेशक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लहलीमुन, आप बड़े ही हिल्म वाले हैं, हिल्म नरमी वाले, हलीमुन तबा सब्र वाले, हौसले नरम खूब, नरम मिजाज। कौन? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। लहलीम, आप हलीम हिल्म वाले, अव्वाह। दूसरा आपके अखलाक में से दूसरा बस आहे भरने वाले, अव्वाह आहे भरने वाले, रब की बारगाह में आहे भरने वाले, रोने वाले, अशबार रब को याद करने वाले, रात की तारीकी में रब को याद करने वाले, मुनीब सरे तस्लीम हम करने वाले, जहां रब का हुक्म आ गया वहां सर झुका दिया। ये तीन वस्फ होने चाहिए बंदे मोमिन में। नरम हो, नरमी का मतलब ये ना समझ लेना कि वो दीन के मामले में नरम हो, वरना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब टक्कर हुई नमरूद से तो उसने कहा कि आग के शोलों में जला दूंगा, और जला के उसने अपने तौर पे इतने बड़े बड़े आग के शोले भड़का दिए, मगर दीन के मामले में इतने सख्त थे। आपने आग में छलांग लगा दी, गवारा कर लिया, उतर गए, मगर दीन के मौकफ में इतनी सी भी लचक नहीं दिखाती। नरम किस मामले में है? आपस में नरम, वो जो पुराने मजीद में है ना, वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, मेरे हजूर के चाहने वाले आपस में नरम हैं, कुफ़ार पे सख्त हैं, तो वो आपस में नरम है। और सरे तस्लीम खम करने वाले, इसका क्या मतलब है? ये बात याद रखिए, जहां अल्लाह करीम ने उन्हें किसी काम का हुक्म दिया कि यूं करो, उन्होंने एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में भी ये नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। मैं अगर ये बात मान लूं रब की तो मेरे साथ होगा क्या, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़ क़ाला लहू रब्बुहू अस्लिम, जब तुम्हारे रब ने कहा, ए इब्राहीम सरे तस्लीम खम करते हो मेरे हुक्म पे, क़ाला अस्लमतु, उस ज़िले में कहा अस्लमतु, मान लिया, या अल्लाह जो फरमाएगा मैंने मान लिया। 80 साल की उम्र थी, रब ने फरमाया अपना खतना करो। अंदाजा लगाएं कितना मुश्किल हमारे, मान लिया, कर लिया। अल्लाह करीम की जात बरकत ने फरमाया आग में छलांग लगानी पड़ेगी, मान लिया। इब्राहीम, बीवी बच्चों को छोड़कर आना पड़ेगा सहरा में, तपते सहरा में, या अल्लाह छोड़ दिया। इब्राहीम बुजुर्ग हो गए हो, बुढ़ापा आ गया है, मेरा मकान बनाना पड़ेगा, हाजिर या अल्लाह। जहां रब ने हुक्म दिया एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि दुनिया की सारी बादशाहियां वो तो एक तरफ और मैं अकेला इब्राहीम एक तरफ, ये होगा कैसे ना, अल्लाह तूने कह दिया तो अब करके दिखा दो। सबसे मुश्किल मरहला, अपनी जान से भी कड़ा मरहला, अपनी जान को तो पेश कर दिया ना आग में, इससे भी मुश्किल मरहला अकलौता उस वक्त आपकी आंखों के सामने लखते जिगर नूरे नजर, नूरे मुस्तफ़ा जिसकी पेशानी में चमक रहा था इतना सोना, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। एक लम्हे के लिए भी नहीं कहा, या अल्लाह ये ख्वाब की बात है, सामने आके बता फिर मानूंगा, वो ना हो कि ख्वाब ऐसे वैसे ना, ख्वाब में आई थी बात। ये है अखलाक़े हज़रत जनाब इब्राहीम। एक लम्हे की भी ब्रेक नहीं, रब ने फरमा दिया, बंदे ने मान लिया, रब के साथ ताल्लुक होना चाहिए। उधर से हुक्म आए, इधर से गर्दन झुक जाए, बस। हजरत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपका एक वसफ़ मैंने बयान किया, सरे तस्लीम खम। आपका दूसरा वसफ़ कुरान बयान करता है, अबू दैफ़ान, आप मेहमान नवाज हैं, मेहमान नवाजी की इंतहा। आपको लुत्फ आएगा ये बात सुन के, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अखलाक कितने आला है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुश्रा क़ालू सलामा क़ाल सलाम फ़मा लबिसा अन जाअ बिइज्लिन हनीद। हज़रत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप मौजूद हैं हज़रत जनाब लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ। फरिश्ते आए, उन्होंने आकर खुशखबरी दी, एक खुशखबरी दी और एक दूसरी बात की, दो खबरें लेके आए। जब जब वो फरिश्ते आए तो वो आए इंसानी लिबादे में, इंसानी लिबास में आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि दो शख्स आए हैं, आपने उन्हें बिठाया, वेटिंग रूम में बिठाया, जल्दी जल्दी अंदर तशरीफ ले गए। घर में देखा, उस वक्त घर में क्या था आपके, एक बछड़ा मौजूद था। आपने उस बछड़े को जल्दी जल्दी ज़िबह किया, घर वाली से कहा जल्दी जल्दी खाना बनाओ। उसी वक्त खाना उन्होंने तैयार करवाया, जल्दी जल्दी पेश कर दिया। जब पेश किया तो मेहमानों ने कहा कि हमने तो नहीं खाना। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, क्योंकि उस दौर में, उस मुआशरे में ये रिवाज था कि जब मेहमान ये कह दे कि मैंने खाना खाना नहीं है तो इसका मतलब होता था कि मेरी तेरी जंग है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो इनके लिए खाना लेके आया हूँ और इन्होंने आगे से खाने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने खाना इसलिए नहीं था कि वो फरिश्ते थे। अच्छा, यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वस्फ़ बयान किया है, जो अखलाक, वो ये है कि आपने मेहमानों से पूछा नहीं कि जनाब आप तशरीफ़ लाए हैं, आप खाना खा के आए हैं या खाना खाना है। जैसे हमारे यहाँ मेहमान आ जाए तो पहले तो सोचते हैं भाई ये टाइम किस पे आया है, और फिर इशारे कनाए से पूछते हैं कि खाना खा के आए हैं या अब जाके खाएंगे, आपकी मसरूफियत बड़ी है, या फिर ज़्यादा तकल्लुफ़ हो तो फिर जी मैं फिर चाय का कह दूँ, या फिर है कि पानी पिएंगे बोतल या चाय पिएंगे। और फिर आगे से अब घरों में भी सूरत हाल ऐसी है कि जनाब कुछ अहबाब जो हैं उनको सोचना पड़ता है कि अब ये बाहर से ही काम चला लें या घर जाने की मोहतरमा से कहें कि कोई चीज़ बना लो या भेज दो। हमारे एक बुजुर्ग थे, आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। तो वो एक मरतबा रिश्ता देखने के लिए गए थे बरादरी में। वो एक हमारे समय में अजीज उनके लिए रिश्ता देखने के लिए गए थे। जब वो पहुँचे तो ईशा की नमाज हो चुकी थी। खैर, जब वहाँ पहुँचे और उन्होंने बातचीत जैसे शुरू करते हैं बुज़ुर्ग, तो भाई कहाँ है हमारी बेटी, तो भाई तो उन्होंने कहा कि वो जनाब सो गई, इस वक्त मोहतरमा आराम फरमा रही है। तो उन्होंने कहा हम आए थे इस मकसद के लिए, तो उन्हें बुलाते ताकि हम ज़रा मिल लेते। तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो मोहतरमा हमारी जो बेटी है उसकी आदत है कि जब वो सो जाए ना तो फिर वो उठती नहीं, और ना ही हम उसे उठाते हैं, तो आप कल तशरीफ ले आइए, परसों आ जाइए। तो उन्होंने कहा जी चले ठीक है, फिर हम देखते हैं इंशाल्लाह। वो वापस आ गए और वापस आते उन्होंने कहा कि नहीं हमने वहाँ दोबारा नहीं जाना। तो उनसे पूछा हमने भी इसकी क्या वजह है, मतलब पढ़े लिखे घराने में और अच्छी जगह पे हर कोई कोशिश करता है कि शादी हो तो आप क्यों नहीं दोबारा जाएंगे। तो बुज़ुर्गों ने फरमाया है हमारे घर में मेहमान आते हैं दिन में रात में, ये मेहमानों वाला घर रहता है, तो ये कल जब इस घर में आएगी तो अगर कोई मेहमान आए तो ये कहे कि नहीं जी हम तो मतलब रात को सोने के आदि हैं, हम तो मेहमान के लिए नहीं उठ सकते, तो भाई हमारा तो काम नहीं चल सकता इस तरह। अब आप देखें कि जो हमारी अकदार थी बुजुर्गों की वो कैसी है, मतलब हम अभी अपने पीछे देखें अपनी वालदा, अपनी दादी जान, अपने परदादा और बड़े लोगों को तो मेहमान आने पे खुशी महसूस करते हैं और उसकी खिदमत में उनके लिए खुद खाना पका के उनको पेश करना इसमें सादत होता है। अब जैसे जैसे तेजी का दौर आ रहा है तो अब होटलों का रास्ता आ गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अखलाक कितने प्यारे हैं, कितने अजीम हैं कि आपने मेहमानों से पूछा नहीं है, उन्हें उनकी घरवाली ने भी ये नहीं कहा कि आप अचानक आ गए हैं और अचानक मेहमान आ गया, पहले कुछ बताया होता, पहले कुछ तैयारी की होती, मैं तो अभी खाना पका के थक गई हूँ और अभी आपने दोबारा खाने पे मुझे लगा दिया है। नहीं, ये बड़ी अहम बात है, मेहमानों की खिदमत करना, उनके साथ उसने सलूक से पेश आना। हज़रत जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की जब शादी हो गई और आप यहाँ मौजूद थे उस वक्त मक्का मुकर्रमा में, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहीं बाबुल के इलाके में, तो कई सालों के बाद एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने के लिए तशरीफ लाए। असल तो उसके पीछे कोई और राज था। जब आप आए यहाँ मक्का पाक में तो उनके बेटे हजरत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनकी शादी हो चुकी थी, तो पता चला ये घर है हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहली बार आए थे, आपने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से बीवी ने पूछा जी आप कौन हैं? तो फरमाया मैं मुसाफिर हूँ, इस्माईल से मिलना है। उसने कहा नहीं वो तो काम पे गए हुए हैं, आप भी रहा। तो कहा ठीक है बेटी, ये बताइए कि तुम्हारा उनके साथ गुजर बसर कैसा हो रहा है? उसने कहा बड़ा बुरा हाल है, सुबह जाते हैं, कभी रात को रोटी मिलती है, कभी ऐसे ही बस गुजारा हो रहा है, बुरा हाल है, कोई इतना अच्छे हालात नहीं है। आपने सुना अच्छा चले, जब वो आए तो उन्हें कहना एक बुजुर्ग आए थे मुसाफिर, वो सलाम कहते थे, और साथ उन्हें कहना कि अपने घर की दहलीज बदल देते, अपने घर की चौखट बदल देते। वो शाम को हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम आए, उस जगह एक बाबा जी आए थे, उन्होंने कहा नूरानियत और खुशबू तो बताती है कि कोई आज आया है। कौन थे? कहा कोई बुजुर्ग थे। अच्छा उनको बिठाया नहीं, उनकी कोई खिदमत या चाय पानी? उसने कहा नहीं वो तो नहीं, बाहर थे, तो मैंने कहा कि आप तो लेट आएंगे, तो वो वापस चले गए। अच्छा उन्होंने कोई पैगाम दिया हो? कहा पैगाम दे गए थे कि अपने घर की चौखट बदल लेना। तो कहा चल चल तुझे तलाक है। उसने कहा ये क्या हुआ? फरमाया बस वो पैगाम मुझे मिल गया, अब मैंने उस पर अमल कर दिया। अब ये देखें कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दिल में अपने अब्बा जी की मोहब्बत और इत्तिबा और उनकी अकीदत कितनी थी। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। वक्त गुजर गया, कई साल के बाद आपने एक और शादी की, एक बार फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, दरवाजा खटखटाया। अब जो नई बीवी है हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, आपने पूछा जी कौन है? कहा मैं एक मुसाफिर हूँ, दूर से आया हूँ, तो इस्माईल उससे मिलना है। उसने कहा बाबा जी आप दूर से आए हैं, आप बैठे, आपको पानी पिलाया। तो कहा नहीं बेटा ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी जल्दी उन्होंने किशमिश जो है वो पानी में डाली, थोड़ा सा मीठा किया, हिला के कहा बाबा जी नहीं आप मुसाफिर हैं, आप बैठे, तशरीफ़ रखें, पानी पिए। हुक्म फरमाए कैसे आना हुआ था, तो आप इंतज़ार करें थोड़ी देर तो वो आ जाएंगे, तो जब आ जाएंगे तो आपसे मुलाकात हो जाएगी, तो आप दूर से आए हैं, आप आज ना जाएंगे। उन्होंने कहा चले बेटा ठीक है, पानी पिया, खुश हुए और फरमाया कि मैंने जाना वापसी है। जब इस्माईल शाम को आए तो उन्हें कहना कि ये चौखट ठीक है, इसे बाकी रखें। अल्लाह इस चौखट और इस दहलीज से हमें बरकतें अता करेगा। तो शाम को जब आए तो कहा आज खुशबू भी है और रुहानियत भी है, आज कौन आया है? कहा वो एक बुजुर्ग थे, मैंने रोकने की कोशिश की मगर वो चले गए। अच्छा उनकी क्या खिदमत की? उन्हें पानी पेश किया, उन्हें खाना पेश किया। तो वो फरमा गए कि इस्माइल से कहना मैं फिर आऊँगा तो इस दहलीज को ना बदले, इस चौखट को बाकी रखें, इससे अल्लाह हमें बरकत देगा। तो फरमाया फिर तुम्हें मुबारक हो, वो मेरे अब्बा जी ने आखिरी नबी जनाब सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन हजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए जो दुआएं फरमाई हैं अल्लाह ने उस नूर को तुम्हारी पुश्त में रखना है। वही माँ बनी हुई मेरे आका करीम सल्लल्लाहु, यानी हुजूर की नस्ल पाक में माओं में फिर वो माँ बनी। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का नूर जहाँ गया और फिर आगे से क्यों, इसमें वजह क्या थी? वजह यह थी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये नूर मुस्तफ़ा है, इससे आगे सादात की नस्ल चलनी है, इससे आगे वो ख़ानदान जिन्होंने पूरी दुनिया की क़यादत करनी है। और अगर यहाँ पे भी बद अखलाक हुई और वो अपने शौहर की बदखुई करने वाली हुई और अपने शौहर के बारे में कहने वाली कि बुरे हाल है, मर गई, तो फिर तो काम नहीं चलेगा। ये जो बात है बीवी थी इसने ये कहा था जब पूछा कि बेटी तेरा कैसे चल रहा है मामला और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ तेरी कैसे जिंदगी गुजर रही है, तो उसने यही कहा था बाबा जी अल्लाह का शुक्र है और उसकी करम नवाजी है और बड़ा सुख है और हजरत जनाब इस्माईल जैसा मुझे शौहर रब ने अता किया है, मैं करोड़ बार भी उसका शुक्र करूं तो मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकती, मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि उन्होंने मुझे अपने घर में और अपनी पनाह में रखा हुआ है। तो कहा था इसी चौखट को सलामत रखना और इसी को बाकी रखना, अल्लाह इसी से बरकत देगा। पता चला कि सब्र, हौसला, सखावत, आजजी, इंकसारी ये वो बुनियादी चीज़ें हैं कि जिस बीवी में आ जाए या जिस शोहर में आ जाए या जिस घर में आ जाए ये चीज़ें मेहमान नवाजी, खिदमत, बरकत, आजजी, इंकसारी, तो अल्लाह ताला उनको बहुत ही खैर वाली बरकत अता फरमा देता है। ये वो अखलाक हैं जिनका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया। एक और बात भी कह दूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन मेहमानों को पहचाना नहीं था कि ये जो दो मेहमान फरिश्ते बन के आए थे, उन्होंने समझा कि ये इंसान ही है, चूँकि इंसानों के रूप में आए थे तो इसलिए उन्होंने उनसे पूछे बगैर जल्दी जल्दी बछड़ा ज़िबा करके खाना तैयार करके भून के बेइज़्रीन हनीद, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है भुना हुआ बछड़ा पेश किया, लीजिए जी खाएं। तो जब आप परेशान हुए उनके इनकार की वजह से, तो उन फरिश्तों ने कहा परेशान ना हो, आप मेहमान नवाज हैं, हम लड़ाई के लिए नहीं आए, हम फरिश्ते हैं, हम खाते पीते नहीं हैं, इसलिए हम कह रहे हैं हमने खाना नहीं है, लेकिन हम आपको दो चीज़ें बताने आए हैं। एक तो आपको खुशखबरी देने आए हैं कि अल्लाह ताला आपको हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता करेगा, हज़रत इसहाक की खुशखबरी। और दूसरा ये बताने आए हैं कि ये जो आपके हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हैं, इनकी जो कौम है उस कौम पे अजाब आने लगा है, उस कौम को अल्लाह ताला अब गर्क करने लगा है। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों के साथ आप इस इलाके से निकल जाए, क्यों? उनकी कौम पे अब पत्थर बरसने वाले हैं, उनकी कौम को अब अल्लाह ताला सफ़ा हस्ती से मिटाने वाला है, ये बात बताने आए हैं। तो उस कौम को अल्लाह ताला ने सफ़ा हस्ती से मिटा दिया, गर्क कर दिया, पत्थरों की बारिश कर दी, ज़मीन फट गई और एक कड़क की वजह से अल्लाह ताला ने उनको जला के राख कर दिया। क्यों? वो गुनाह क्या करते थे? तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो अपनी ख़वातीन की तरफ तवज्जो देने की बजाय वो मर्दों की तरफ अपने गुनाहों के लिए आया करते थे। मर्द के साथ जो बदफेली और गुनाह है ये इतना कबीरा गुनाह है, इतना कबीरा गुनाह है कि इसके बारे में आप अलैहिस्सलाम का फरमान है क़त्लुल फ़ाइल वल मफ़ऊल, फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों को कत्ल करो। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं उस पर दीवार गिरा दो, एक मकाम पे उसको जला दो, इस तरह मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं। एक और बात आपको बता दें, जो हुजूर का उम्मती जहां मरेगा क़यामत वाले दिन वहां से उठेगा, जिसके साथ मोहब्बत करता होगा उसके साथ उठेगा, मगर इतनी सख्त बात मैंने कहीं नहीं पढ़ी, जो इस बुराई में इस गलत हरकत में मुलव्वस होगा वो दफन जहां भी होगा क़यामत वाले दिन जब उठेगा तो कौमे लूत जिन पर अजाब हुआ था उनके साथ उठेगा। यानी इससे बड़ा गुनाह क्या होगा कि बंदा नबी पाक की उम्मत में उठे ही ना। हुजूर की उम्मत में कोई उठेगा तो उसकी तो बख्शिश की उम्मीद है ना, वो हुजूर की उम्मत में से होगा उसकी, मगर जिसको उम्मत मुस्तफा से खारिज करके उस कौम में डाल दिया गया उनके साथ वो उठेगा, उसका हशर उनके साथ होगा। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना बुरा फेल है, और इससे अपने आप को बचाना और अपने बच्चों को बचाना और अपनी नस्लों को बचाना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आज मुझे हमारे मोहतरम अफसर गुजर साहब हैं, जो हमारे यहाँ के SHO साहब हैं, तो उन्होंने भी दरख्वास्त की कि आइमा कराम जो हैं उनको हर मस्जिद में जुम्मतुल मुबारक के मौके पे भी लोगों को ये बात बताएं कि अपने बच्चों को ऐसे दुकानों पे भेज देना और ऐसे बाहर भेज देना, ऐसे उनकी ना निगरानी करना, उनको खुले छोड़ देना, इससे बचें। बच्चों को खुद जो चीज़ लेके देनी है आप जाकर लेके दें, बच्चों की निगरानी करें, इर्द गिर्द नज़र रखें, अपनी औलाद पे नज़र रखें, अपने बड़ों पे नज़र रखें, छोटों पे नज़र रखें, एक एक चीज़ को देखें। अब ये बात भी इसलिए करनी ज़रूरी है कि जब हम अखलाकियात की बात करते हैं, कौम की इस्लाह की बात करते हैं, तो कुछ ऐसी मुश्किल चीज़ें हैं जिनको बयान करना ज़रूरी है। और आज के दौर में मैं समझता हूँ जहाँ आप अपने बच्चों को मतलब है कुरान पाक सिखाते हैं, जहाँ अपने बच्चों को आप नमाज सिखाते हैं, जहाँ अपने बच्चों को आप इंग्लिश, उर्दू, अरबी, बाकी चीज़ें जो हैं वो सिखाते हैं, वहाँ अपने बच्चों को आप सेल्फ डिफेंस के हवाले से भी आगाह करें कि अपने आप की हिफाजत कैसे करनी है। बच्चों को ये भी बताएं, अपने बच्चों की खुद इस हवाले से भी तरबियत करें कि अगर कोई भी दूसरा बच्चा, नौजवान या कोई भी बड़ा उस बच्चे को किसी गलत नज़र से देखता है या उसके कुर्ब में आके उससे कोई ऐसी हरकत करता है तो वो अपने आप को कैसे महफूज रखे, और वो फौरी तौर पे अपने बुज़ुर्गों को, अपने असातिज़ा को, अपने वालिदैन को उनको फौरी बताए, ताकि इब्तदा में भी उस बुराई को रोका जा सके। वरना अगले मरहले में फिर जैसे आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में और खुसूसन यहाँ इस तरह की हमें हरकत का सामना और इस तरह के हालात का सामना है, तो पहले मरहले में ही आप उसको रोकें। और ये असातिज़ा पे और वालिदैन पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है अपने बच्चों के लिए। अच्छा, एक और जो आपका वस्फ है अखलाक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, वो है सबसे प्यार करना, खैर। आप देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज तकरीबन, यानी आप देखें आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2300 साल पहले हुए, ईसा अलैहिस्सलाम से 2300 साल, और ईसा अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 570 साल पहले, तो 3000 साल आप देख ले वो, और अभी 1500 साल के, यानी 4500 साल गुजर गए अंदाजा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। 4500 साल पहले भी आप जब दुआ करते थे तो यूँ कहते थे, रब्बना इग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौमा यक़ूमुल हिसाब, या अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे वालिदैन को भी बख्श दे, और सारे मोमिनीन को बख्श दे। यानी सिर्फ दुआ अपने लिए नहीं की बल्कि सब ईमान वालों के लिए दुआ की। तो सबसे मोहब्बत करना, ईमान वालों से प्यार करना, उनके लिए दुआएँ करना, उनकी खैर मांगना, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वस्फ है। हमें भी चाहिए कि हम भी जब दुआ करें तो सारी हुजूर की उम्मत के लिए दुआ करें, जब खैर मांगे तो सिर्फ अपने घर के लिए ना मांगे बल्कि हुजूर की सारी उम्मत के लिए खैर मांगे, सबको शामिल करें, और इसकी बरकतें भी आपको हासिल होंगी। एक और आपका वस्फ है, वो है औलाद की तरबियत के हवाले से। ये जितने बड़े लोग बैठ रहे हैं ये इस बात को तवज्जो से सुने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ किया करते थे, ये दुआ हमने भी करनी है आपने भी करनी है। क्या जब औलाद नहीं हुई थी ना उस वक्त आप दुआ किया करते थे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे सालिहीन में से औलाद अता फरमा, यानी नेक औलाद अता फरमा। औलाद के लिए दुआ करें तो ये भी दुआ करें या अल्लाह औलाद नेक दे, बच्चे के लिए दुआ करें तो या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता कर, ये दुआ करें। जब बच्चा हो जाए तो फिर भी दुआ करें या अल्लाह इसे नेक बना, इसे मुत्तकी बना। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद तो जब नफल पढ़ते थे तो नफलों की नीयत ये करते थे, या अल्लाह मैं ये दो नफल अपने बच्चे की रोशन मुस्तकबिल और नेक बनने के लिए पढ़ रहा हूँ। यानी औलाद को नेक बनाने के लिए माँ बाप के लिए जरूरी है वो दुआ भी करें, उनके लिए नफल भी पढ़ें, कुछ सदका खैरात भी करें। एक तो ये काम। दूसरा, आपने अपने बच्चों की तरबियत पर जो तवज्जो दी, जो जरूरत, उनकी जो नसीहत और बरकत और दुआ और तकवा वो कितना ज्यादा था, इस बात से अंदाजा लगाए कि जब ख्वाब ने देखा कि अपने बेटे को ज़िबा करता हूँ तो बच्चे की तरबियत देखें कैसे की। बच्चों के लिए पैसे का सोचना छोड़े कि मेरे बच्चे को माल इतना मैं इकट्ठा कर दूं, कारें इनको ले दूं, गाड़ियां ले दूं, नहीं, बच्चे की तरबियत अच्छी करें, ये टारगेट रखें। आपने कैसी तरबियत की? फलम्मा बलगा माहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामी अन्नी अज़बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबती फ़अल मा तुअमर। कहा बेटा मैं तुझे ख्वाब में ज़िबा करता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे रब का हुक्म ये है, तू बता तेरा क्या इरादा है, मैं तुझे कर दूँ ज़िबा। आज बच्चे जो है छोटी छोटी बात पे कहते हैं अब्बा जी मैंने बात नहीं मानी, इनकार कर देते हैं छोटी छोटी बात पे। बाप कह रहा है मैं तुझे ज़िबा कर दूं, क़ाल या अबती फ़अल मा तुअमर। अब्बा जी जैसे आपका दिल करता है वैसे, जैसे आपको हुक्म मिला है, मेरी गर्दन आपके लिए हाजिर है। एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि मेरी जान चली जाएगी, कहा मेरे बाप के लिए जान जाती है तो जाए। बच्चों की अपने बाप से मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए, ये है जिस पे अलामा इकबाल ने कहा था ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। फर्जंद को कौन से आदाब वाला होना चाहिए, बच्चे को अपने बाप का अदब किस हद तक करना चाहिए, ये कोई हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से सीखे। और यही हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के अब्बा जान ने सिखाया। जब कहा किसी बीबी ने कि मैं तुझसे निकाह करना चाहती हूँ, 100 ऊँट भी दूंगी, इतना माल भी दूंगी, तो फरमाया नहीं ये फैसला मेरे अब्बा जी करेंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ये मेरी ज़िंदगी का फैसला है, ये मेरे अब्बा जी फरमाएंगे। तो इसकी बरकत बहरहाल हर हाल में अल्लाह ताला अता फरमाता है। जो इस तरह अपनी औलाद की तरबियत करता है फिर अल्लाह ताला उसे कामयाबी भी अता करता है। एक और चीज़ वो है वफा। ये जो वफा है ना किसी के अंदर, ये अखलाक हसना में से ये एक उम्दा अखलाक है वफा, कि उसे वफा करके आ जाए, ये बड़ी बात है। सबसे पहले वफा किससे करनी है? अल्लाह की जात से वफा, उसके रसूल के साथ वफा, उसके दीन के साथ वफा। जो वहां गद्दार है आप समझें कि वो दुनिया के मामले में किसी से वफा करेगा, ये नहीं हो सकता। तो वफा करें, हाँ माँ बाप से भी वफा करें, बहन भाइयों के साथ भी वफा करें, दोस्तों के साथ भी वफा करें, मगर वफा का वो मतलब ना लें जो दुनियादार या ये शुआरा के यहाँ पाया जाता है, ये जिनसी और शहवत की खातिर एक दूसरे के साथ मरने जीने के वादे, ये नहीं ना। वफा वो है जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ की जाए, अपने माँ बाप के साथ की जाए, अपने बहन भाइयों के साथ की जाए, अपनी शरीक हयात के साथ की जाए, उससे गद्दारी और बेवफाई ना करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपने रब से वफा पता कितनी है? अल्लाह ताला ने खुद नाज से फरमाया इब्राहीम अल्लज़ी वफा, फरिश्तो मेरा इब्राहीम वो है जिसने वफा का कमाल दर्जा और कमाल हक अदा कर दिया। रब कहता है फरिश्तों कमाल कर दिया मेरे इब्राहिम ने, ऐसी वफा की बच्चे के मामले में, अपनी जान के मामले में, माल के मामले में, हर मामले में। तो मैंने इसे अपना खलील बनाया है। खलील पता किसे कहते हैं? लफ्ज खुल्लत है। इसे बाद दोस्त खिल्लत में पढ़ते हैं। तो खिल्लत और माने में है, खुल्लत जो है वो इस माने में है कि बंदे के दिल की तय के अंदर मोहब्बत रब पैदा हो जाए। दिल के अंदर रग रग में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए। तो हजरत इब्राहिम के दिल में अल्लाह ताला ने जो आपको खलील बनाया ना, अपना यार, यारे खास, तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह ये तो बड़े दावे करता है कि ये मेरा बड़ा यार है, बड़ा गूढ़ा यार है, मोहब्बत वाला खलील है, तो वो हमें पता तो चले। अल्लाह ताला ने फरमाया जाओ तुम चेक कर लो, जाओ चेक करो। फरिश्ते आए। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को माल भी बड़ा दिया था, बहुत बड़ा रेवड़, एक पहाड़ से लेकर दूसरे पहाड़ तक बकरियों का, भेड़ों का आप मौजूद है वहां पे। फरिश्ते आए और उन्होंने पहाड़ के साइड पे खड़े होके बाबाजे बुलंद अल्लाह ताला के नाम पढ़ने शुरू कर दिए। सुबहान अज़िल मुल्क वल मलकूत, सुबहान अज़िल इज़्ज़त वल अज़मत वल हैबत वल क़ुदरत वल किब्रिया वल जबरूत। जब अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नाम पढ़े, उसकी सिफ़तों का जिक्र किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो मचल गए। आप गए उधर दौड़े दौड़े, कहा मेरे रब के नाम तुमने सुनाए हैं, एक बार फिर सुनाओ ना। उन्होंने कहा ऐसे फ्री में नहीं सुनाएंगे। कहा क्या लोगे? उन्होंने कहा आधा रेवड़ लेंगे। उन्होंने कहा आधा रेवड़ ले लो, मेरे रब के नाम दोबारा सुनाओ। उन्होंने दोबारा सुना दिए। कहा एक बार फिर सुनाओ। उन्होंने कहा दूसरा आधा रेवड़ जो है आपका वो भी ले लें। उन्होंने कहा सारा रेवड़ आपका, मेरे रब के नाम सुनाओ। पक्की बात पक्की हो गया। उन्होंने नाम सुनाए। कहा एक बार फिर सुना दो, लज्जत पड़ी आ रही, एक बार फिर सुना दो। कहा जो माल था आपके पास, बकरियां, भेड़े, रेवड़, वो तो सारा ले लिया, अब तुम्हारे पास है क्या? अब क्या रह गया है आपके पास? कुछ दोगे तो फिर ही सुनाएंगे ना। कहा ये बकरियां चराने के लिए तुम्हें किसी चरवाहे की जरूरत तो होगी, जो चरवाने वाला भी हो, कोई खादम। तो मुझे चरवाहा रख नहीं सकता, मैं तुम्हारी बकरियां चराया करूंगा, मेरे रब का नाम सुना। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह तेरा यार वाकई बड़ा वफादार है, तो इससे बड़ा ही प्यार करता है। तो रब को नाज हो अपने बंदे पे, ये होना चाहिए बंदे की अपने रब से मोहब्बत इस दर्जे की हो कि रब भी फरिश्तों के सामने नाज करे। तो वो कैसे हो सकती है? वो अखलाक का, वो वसफ, वो वफा है। हर हाल में रब के साथ हम वफा करने वाले बन जाए। जहाँ हमारे रब को हमारी जान की जरूरत हो, जान पेश करें। जहाँ रब को हमारी जिंदगी की जरूरत हो, जहाँ माल की जरूरत हो, जहाँ औलाद की जरूरत हो, जहाँ जिस चीज की जरूरत हो रहा हो, हम उसकी बारगाह में पेश करते हैं। ये है अदना दर्जे की वफा। और इससे भी खूबसूरत चीज कि इस आला दर्जे पे पहुंचने के बाद भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं। क्या यानी जद्दुल अंबिया है, इतना आला मुकाम है, रब ने खलील बना लिया, रब ने आपकी औलाद में खातमुन नबीयीन को रख दिया। फिर भी दुआ पता क्या करते हैं? वला तुखज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून। या अल्लाह वो क़यामत वाला दिन जब ना माल काम आएगा, ना बच्चे काम आएंगे, या अल्लाह उस दिन मुझे रुसवा ना करना। ला तुखज़िनी यौम युबअसून, जब सब क़यामत वाले दिन उठाए जाएंगे, या अल्लाह मेरा ख्याल रखना, मुझे उस दिन रुसवा ना करना। नबी पाक के बाप हजूर के जद्दे अमजद, उनकी आजी अल्लाह के सामने इस दर्जे की है कि वो कहते हैं या अल्लाह क़यामत वाले दिन। तो हम में से कोई कहे कि मैं तो बस, मैं ये मैं मरवा देती है ना। झुके रहे, झुके रहे, रब की बारगाह में पड़े रहे, अपने गुनाहों की माफ़ी हर हाल में मांगते रहे, और खताएं जो है वो माफ़ करवाते रहे, झुका रहे रब की बारगाह में। कभी अपने नफल और अपनी इबादत और अपनी रियाजत और अपनी तस्बीह और अपना माल और सदका खैरात पे कभी नाज ना करें, ना कभी कहीं मैं ये मैंने कि ना ना ना, तू क्या चीज़ है। यहाँ नबियों के जद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह क़यामत वाले दिन मेरा ख्याल रख। हमारी क्या हैसियत है? और ये जो तकब्बुर व गुरूर है ना, इसने शैतान को मरवा दिया था। और ये जो रियाकारी है, कि लोगों को पता चले मैं कौन हूँ, ये भी मनवा देती है। एक बड़ी खूबसूरत बात, उस पर मैं अपनी गुफ्तगू इख्तितामी मराहिल की तरफ लेके जाऊंगा, बड़ी समझने वाली है, बड़ी ही उम्दा बात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह, वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी आरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, तीसरा पारा, या अल्लाह मुझे दिखा कैसे मुर्दों को जिंदा करेगा, तू जो कहता है मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, मुझे दिखा ना तू मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा। काला भला, तुझे यकीन नहीं मेरी बात पे? काला भला, या अल्लाह यकीन तो बड़ा है, वला लियतमइन क़ल्बी, लियतमइन क़ल्बी, या अल्लाह ये जो अंदर है थोड़ा सा यकीन और हो जाए, इत्मीनान हो जाए, यकीन तो है कि तू वाकई करके दिखा दे, तू मेहरबानी फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया, चलो भाई अगर ये इसको करना है तो हम कर देते हैं, जिंदा कर देते हैं, जिंदा करके दिखा देते हैं। काला भला वाला किलियत में नकल भी, काला फखुद अरबअतन मिन अत-तैर फसुरहुन इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ली जबल जुज़न सुम्मा, फरमाया ऐसे करो, चार परिंदे ले उनको अपने साथ रखो, पालो, मोहब्बत करो उनसे। चार परिंदे ले, कौन कौन से? फरमाया एक तो कबूतर ले लो, या ना ठीक है, दूसरा फरमाया एक गिद्ध ले लो, ये एल जिसे हम कहते हैं, चील वगैरह, गिद्ध ये ले लो, तीसरा फरमाया मोर ले लो, चौथा फरमाया मुर्ग ले लो, एक मुर्गा, एक गिद्ध, एक मोर और एक कबूतर, ये चार जानवर ले लो, इनको अपने साथ मानूस करो, मोहब्बत करे, प्यार करे, तुम्हारे साथ मानूस हो जाए। फिर ऐसा करो, इन चारों को तुम ज़िबा करो, इनकी गर्दन एक तरफ रखो, इनको छुरी फेरो, फिर इनके गोश्त के जो टुकड़े हैं वो आपस में मिला दो, एक मुर्गे का गोश्त जो है वो गिद्ध में, गिद्ध का जो है कबूतर में, कबूतर का जो है वो ताउस में, यानी मोर में, इन सब को मिला के फिर ये जो इर्द गिर्द दूर दूर पहाड़ हैं इनको रख दो दूर दूर, फिर इनको साया, अगर आंखों से देखना है तो फिर देखना, ये दौड़ते हुए तुम्हारे तरफ आएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मोर लिया, एक मुर्ग लिया, एक कबूतर लिया, एक गिद्ध, चारों को अपने साथ रखा, पाला उनको और वो आपके साथ काफ़ी मानूस हो गए। फिर आपने उनको ज़िबा किया, गर्दने रखे साइड पे, उनका गोश्त आपस में मिक्स किया, मिक्स करके फिर आप बड़ी मेहनत पे चारों तरफ जाके रखा है। फिर जब पुकारा तो फिर वो गोश्त जो जिनके जर्रे और रेजे, वो जब आपने पुकारा तो वो उड़ते हुए आया, दौड़ते हुए उड़ते हुए वो गोश्त के जर्रे, और फिर वो जो मुर्ग का गोश्त था वो मिक्स में से निकला, कीमे में से वो मुर्गे के सर के साथ लगा, कबूतर वाला कबूतर के साथ लगा, गिद्ध वाला गिद्ध के साथ लगा, और जो ताउस वाला है, मोर वाला, वो उसके साथ लगा, और वो उसी तरह फिर दोबारा जो है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब देख लिया जी अल्लाह, अब देखो, इसको कहते हैं ऐनुल यकीन, हक़ुल यकीन, अपनी आंखों से हर मरहले को देख लेना। सूफिया फरमाते हैं इसके पीछे एक और राज था, क्या दुनिया वालों को पैगाम देना था, ये चार जानवर असल में नहीं है, ये चार सिफतें हैं, ये चार बुरे अखलाक हैं। अच्छे अखलाक तो पहले बयान हुए, चार बुरे अखलाक हैं जिनसे हमने अपने आप को बचाना है, अपने वजूद से उन चार अखलाक को निकाल देना है। अखलाक कबीहा, अखलाक कसीफा, वो चार कौन से? तो वो कहते हैं ये चार सिफतें हैं। नंबर एक, मुर्ग। ये जो मुर्गा है, मुर्गा दरअसल ये सिफ्त है शहवत की। आपने मुर्ग को देखा होगा, तो मुर्ग जो है उसमें शहवत कसीर होती है। और यहाँ पे जब आपने कहा ना या युद्दीक है मुर्ग, तो असल में अल्लाह ताला ने फरमाया था तुम्हारे वजूद में चार चीज़ें ये बुरी सिफात हैं, इनको ज़िबा करना है, इनको क्या करना है। तो मुर्गे में शहवत बड़ी होती है। जिन्होंने मुर्गे पाले हैं और मुर्गियां, वो मेरी बात को समझ रहे हैं। तो फरमाया इसको काटो, इसकी गर्दन काटो, शहवत को ज़िबा करो। तुम कहते हो ना कि मुर्दे जिंदा कैसे होते हैं, मुर्दों को जिंदा होते देखना है तो फिर शहवत को काटना होगा। अगर तुम चाहते हो कि जो दुनिया से चले गए उनसे मुलाकात हो, बुजुर्गों की रूहों से तुम्हारा डायरेक्ट ताल्लुक हो, शहवत को काटना होगा। अब मैं इससे अगली बात नहीं करता, पर यही तक मैं बात करता हूँ। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा मुर्दा दिल जिंदा हो जाए, तो ये चार ऐब निकालने होंगे। इस मुर्दा दिल को जिंदा अगर करना चाहते हो तो पहला है मुर्ग वाला, इसको जिबा करो। दूसरा या हमामा, हमामा क्या है, कबूतर, इस कबूतर को जिबा करो। कबूतर किस चीज की अलामत है? फखर। वो नाज नहीं, मैं 10-10 दिन उड़ता रहता हूँ, बुलंद परवाजी, ओ मैं मेरे पास दौलत बड़ी है, मेरे पास ओहदा बड़ा है, मेरे पास इल्म बड़ा है, ये जो अंदर की मैं है, मैं फलां हूं, इसी कबूतर को जिबा करो। अगर दिल की जिंदगी चाहते हो, अगर चाहते हो दिल जिंदा हो जाए, फिर इस कबूतरे हिरस और कबूतरे तकब्बुर को जिबा करो। पहली चीज अपनी शहवत का खात्मा, दूसरी चीज अपने तकब्बुर का खातिमा। क्या था शैतान के अंदर? तकब्बुर, इस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन। मैं आग से हूँ, आदम मट्टी से है, आग ऊपर जाती है, मट्टी नीचे आती है, जब मैं आई बेड़ा गर्क। तो कबूतर को जिबा करो, ये तकब्बुर और गुरूर का रास्ता देता है, बुलंदी परवाजी। तीसरा जानवर कौन सा है? या अय्युहन नसर, ए गिद्ध, इल चील गिद्ध। ये हिरस, लालच, हराम, जमा, तमाम। अब ये जो गिद्ध होती है, ये कभी हराम पे लपकती है, कभी गलाजत पे लपकती है। इसको चाहिए पेट की पूजा के लिए, इसे माल है या हराम। ये जो माल की हवस है, मेरे पास माल आए, चोरी से आए, डकैती से आए, जना से आए, शराब के अड्डे से आए, जुए से आए, रिश्वत से आए, माल आए किस तरीके से आए, ये गिद्ध है। और गिद्धों का काम है माल मोचना, हलाल और हराम की तमीज खत्म कर देना। राजा गिद्ध कभी पढ़े आप, तो उसका फलसफा भी यही है, माल के लिए सब, जहां से माल मिले बस आना चाहिए। हिर्स हवस, लालच, तमा, ये जिस जानवर की क्वालिटीज हैं और जिसका वस्फ है, वो ये इल्म है। ये हराम और हलाल की तमीज नहीं करता, वो ये गिद्ध है। इसको जिबा कर, इस दिल से लालच को निकाल, हिर्स को निकाल, दुनिया के जो हवस के पीछे तो लगा हुआ, इससे निकाल, शहवत को निकाल। और ये जो तकब्बुर और गुरूर का चाहता है कि लोगों के ऊपर मेरा प्रेशर रहे, इसको निकाल। ये तीन वस्फ़े। और चौथा वस्फ़ क्या है? या अय्युहत ताऊस, ए मोर। अब मोर क्या करता है? रियाकारी, दिखावा, अपने पर दिखाना, मैं हुस्न जमाल, ये जो हमारे अंदर दिखावा है, रियाकारी, दूसरों को अपना आप दिखाना, दिखा के अमल करना। पैसे चाराने हैं, वो लगाने हैं, तो भाई मेरा नाम बुलंद आवाज से लिया जाए। अगर किसी जगह पे कोई महफिल करवानी है, भाई मुझे स्टेज पे फलां जगह पे बिठाया जाए। इश्तिहार में नाम लिखना है, मेरा नाम जरा मोटे हुरूफ से लिखा जाए। नमाज पढ़नी है तो भाई दूसरे की नमाज को मैं लंबी करके ताकि पता चले मैं बहुत बड़ा हाजी साहब हूँ, बहुत बड़ा काबिल हूँ। और इसी तरह इल्म को दूसरे के ऊपर फौकियत देने के लिए हासिल करना। हुजूर ने फरमाया उसके गले में तौक है लानत का और जलील और रुस्वा है वो शख्स, और उसके मुंह में जहन्नम की लगाम डाली जाएगी जो इल्म इसलिए हासिल करता है कि मैं इससे दूसरे लोगों को नीचे करूं, मैं दूसरे लोगों को रगड़ा दूं। होता है ना हमारे यहाँ भी कई लोग आते हैं, उस्ताद जी कोई इस तरह की कोई दलील दे, मुंह बंद कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया। इसलिए इल्म हासिल ना करें, इल्म इसलिए हासिल करें कोई रब की मार्फत आ जाए, कोई उसका निशान मिल जाए, कोई उसके हबीब की अदाओं का पता चल जाए, ये है। तो रियाकारी हुजूर ने फरमाया शिर्क की असर है, शिर्क के आप रब की बारगाह में दिखाने की बजाय रब को अपना अमल, आप खड़े उसके सामने हैं मगर आप दिखा रहे हैं लोगों को आप रब समझ रहे हैं कि मैं इनको दिखाऊं। तो ये चार चीजें ज़िबा करनी है, ये चार बुरे वस्फ और बुरे अखलाक हैं जिनसे हमने जान छुड़ानी है। कौन कौन से? एक कबूतर वाला वस्फ फख्र मुबाहत, दूसरा ताऊस वाला रियाकारी, तीसरा मुर्ग वाला शहवत, और चौथा वस्फ है नसर यद वाला हिर्स लालच। इन चार चीजों से अपने आप को बचाना है। तो जिस वक्त आप इन चार चीजों को जिबा कर देंगे उस वक्त फिर आपका दिल जिंदा होगा। रसूल मैं आखिर में यही पैगाम देना चाहूँगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप सच्चे सिद्क वाले, आपके अभी बहुत से औसाफ रहते हैं वो इंशाल्लाह ताला उस पर फिर हम अलग से प्रोग्राम करेंगे। तो चूँकि अगला जो दरसे अखलाक है वो हमारा गालिबन तीसरे ईद वाले दिन होगा, तीसरी ईद शायद उसमें मैंने ईद का तीसरा दिन हो, तो फिर वो उस पर कोई और टॉपिक रखेंगे, बल्कि ईद से पहले हम कुर्बानी के हवाले से भी एक प्रोग्राम करेंगे। वो अगरचे ये महाना दरसे अखलाक तो नहीं होगा मगर वैसे हम उस पर कोई ना कोई प्रोग्राम ज़रूर रखेंगे, आप दोस्तों को इतला दे देंगे। तो हज़रत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके ये औसाफ वफा, मोहब्बत, जज्बा खैर और बुरी शहवतों से अपने आप को बचाना, हक़ की तरफ आना, अल्लाह के दीन के लिए मेहनत और हर हाल में जिद्दोजहद करते रहना। अल्लाह ताला की बारगाह कुद्स में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उनके ये औसाफ हमीदा और ये अखलाक हसना अपनाने की तौफीक और साजत अता फरमाए, और हमें ज़ौक़ व शौक़ को मोहब्बत के साथ अपने इस दर्स को आगे बढ़ाने की भी तौफीक और साजत अता फरमाए। आप तमाम अहबाब सलातुस्सलाम पढ़ेंगे, इसके बाद ख़त्म शरीफ होगा, इसके बाद लंगर शरीफ होगा, लंगर शरीफ के बाद दुआ होगा।